Hi friends, this is Varamant, and in our previous classes we discussed about the subphylum Agnatha as well as the classification of Chordata, and now we move toward our next phylums. In here we discuss about the subphylum Gnathostomata. गनेथोस्टोमेटा को देखा जाए तो गनेथोस्टोमेटा को हम लोगों ने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। पहली सुपर क्लास हमारे पास जो है वो है पाइसिस, हमारे पास जो पहली क्लास, जबकि दूसरी क्लास को हम टेट्रापोडा में हम लोगों ने डिवाइड किया था। आज हम इस पाइसिस को डिस्कस करेंगे, जबकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इस टेट्रापोडा की ऊपर भी बात करेंगे। नाउ क्लास पाइसिस की बात की जाए तो क्लास पाइसिस के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर इसकी जो स्टडीज है उसको हम लोग कहा करते हैं इथियालॉजी, मीन स्टडी ऑफ फिशेस या पाइसिस को इथियालॉजी का नाम देते हैं। जबकि एक और टर्म हम यूज़ किया करते हैं एक्वा कल्चर, मीन कि जब हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की कल्चरिंग करते हैं, उनको की ग्रोथ कराते हैं आर्टिफिशियली, दिस प्रोसेस इज नाउन एज द एक्वा कल्चर। हैबिटेट की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी पाइसिस के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, और दो तरह की कंडीशंस में इनमें लाई करते हैं। कुछ मेंबर्स हुए फ्रेश वाटर में, जबकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द मैरीन डवेलर, दोनों तरह के वाटर्स में ये पाए जाते हैं। सिमिलरली जो मेंबर्स हमारे पास स्पाइसेस के सारे वो कोल्ड ब्लडेड या कीलोथर्मिक एनिमल्स हैं, मीन कि ये एनिमल्स अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करने की सलाहियत नहीं होती, जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का होगा वही इनकी बॉडी का होगा। यही वजह है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना हाई ना लो टेम्परेचर में। और इसी तरह अगर लो टेम्परेचर आ जाए तो ये या तो माइग्रेशन का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं, या फिर ये हमारे पास हाइबरनेशन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अनदर बात की जाए तो हमारे पास ये जो बॉडी होती है इन एनिमल्स की वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ये आप देख सकते हो, ये एक फिश है तो इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन बॉडी हमको नजर आती है। अब वजह क्या है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी की, कि जब ये पानी में मूव करे तो यहाँ से पानी यहाँ से इनकी बॉडी के ऊपर अगर आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना यहाँ पे असल में मकसद है, कि जैसे ही वाटर इनकी बॉडी पे यहाँ पे आए तो वहाँ से रेजिस्टेंस कम हो, इनकी बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर जो है इस तरह की पाइसिस के तमाम मेंबर्स में नजर आएगा। बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो इनकी बॉडी के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, दिस इज द हेड है, और इसी तरह हमारे पास इनका स्फेलिक रीजन जो है और वो हेड के साथ और ट्रंक के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, सेपरेट नेक नहीं पाई जाती। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रंक का नाम दिया करते हैं, ये हमारे पास इसमें ट्रंक पाया जाता है। सिमिलरली जो इनका कोर स्ट्रक्चर इनके बॉडी में है वो है टेल। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा का पूरा रीजन, मीन के ये जो हमारे इसका एब्डोमेन और जो इसके थॉरिक्स रीजन है उसको हम लोग ट्रंक का नाम देते हैं, जबकि ये लोअर रीजन इसकी बॉडी का जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल। तो इसकी बॉडी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, सेपरेट नेक इसमें हम लोगों को नहीं मिलती। आइस की बात की जाए तो इन एनिमल्स में एक वेल डेवलप्ड आइस पाई जाती हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होती हैं, सेंसरी तौर जो काम है वो करती हैं, लाइट को डिटेक्ट करना, इसी तरह प्रेडेटर को फूड को सर्च करने में ये मदद करती है, और ये पेयर के फॉर्म में बॉडी के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी दोनों साइड्स पे ये नजर आती हैं।
कुछ और स्ट्रक्चर जिस तरह नॉस्ट्रल्स और बार्बेड्स हैं, ये फिश की बॉडी के यहाँ पे इन पार्ट्स में और कुछ लोअर पार्ट्स में हमको नज़र आते हैं। ये बेसिकली ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों को बाकी एनिमल्स में नहीं मिलता, वो है स्विम ब्लैडर्स। फिश की बॉडी में यहाँ पे जो है एक आर्गन इस तरह का राउंडेड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, मीन जिसको हम स्विम ब्लैडर्स कहते हैं। स्विम ब्लैडर बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक आर्गन के तौर पे एक्ट करता है, मीन जब फिश ने वाटर में मूव कर रही होती है, उसने वाटर में ऊपर जाना है या फिर नीचे उसके बेस पे जाना है, तो उसमें ये स्विम ब्लैडर मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फिश है जिसने वाटर की सरफेस पे जाना है, तो वो अपने स्विम ब्लैडर में पानी जमा कर लेती है, जिसकी वजह उसकी उसकी बॉडी का जो ट्रांसमीटर है वो इंक्रीज कर जाता है, तो इस तरह वो फ्रेश वाटर के सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, उसको कंटिन्यूस मूव नहीं करना पड़ता। जबकि अगर इसी तरह उसने बेस पे जाना है, बॉटम पे जाना है, तो वाटर को वो क्या करेगी, जो है स्विम ब्लैडर से गैसेस को एक्सपेल आउट करेगी और इस तरह वो बेस पे चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास फिश की जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमारे पास एक आर्डर फिश का है जिसको हम कहते हैं आर्डर डिफनॉई, या फिर लंग फिश भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास ऐसी फिशेज हैं जिसमें लंग्स पाए जाते हैं, और इन फिशेज में जो है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और सिस्टम्स को। फिश के बॉडी में गिल क्लिफ्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये एरियाज में गिल क्लिफ्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से फिश जो है वो रिस्पायर करती है। और कुछ फिशेज हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके ये जो गिल क्लिफ्स वाला एरिया होता है वो कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको अपर कोलम का नाम दिया जाता है। ये गिल क्लिफ्स को जो है वो कवर करके रखता है। जैसे ही फिश की बॉडी से पानी का जो है वो मूव किया, मूव करने के बाद जो उसने गिल क्लिफ्स से जैसे एक्सपेल आउट करना होता है, तो उस वक्त इस ये गिल क्लिफ्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, बाकी टाइम भी गिल क्लिफ्स जो होते हैं वो क्लोज ही रहते हैं। नाउ बॉडी, फिश की बॉडी की अगर बात की जाए तो इसकी बॉडी कवर्ड होती है डिफरेंट तरह के स्केल्स से, मुख्तलिफ तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे पेरिकॉइड स्केल्स हैं, साइक्नाइटी नाइट्स एंड जी नाइट स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। पेरिकॉइड स्केल्स जो होते हैं वो जो हमारे पास जो कॉर्टियोथाइस फिशेज हैं उसमें जस्ट इस तरह का स्केल पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास ऑस्टियोथाइस में ये चारों तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि फिशेज की बॉडी में ये छोटे 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 जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं, और पूरी बॉडी इनकी जो होती है वो इन स्केल से कवर्ड होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये थी लेटरल लाइन। फिश की बॉडी में लेटरल लाइन, ये एक बेसिकली ये इस तरह की एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है फिश की बॉडी में, और ये लेटरल लाइन बेसिकली रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए। और ये स्टिमुलस जिसको डिटेक्ट करती है वो हमारे पास है वाटर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर होता है उसको ये बेसिकली डिटेक्ट करती है पानी का, क्योंकि इसको पानी के प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करना होता है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फिन्स। जो चीज़ फिशेस को साइक्लोस्टोमेटा से पाइसिस को जुदा कर रही है, वो पहली चीज़ तो हमारे पास इसका माउथ है, इसमें जॉस पाए जा रहे थे, और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो क्या चीज़ है, वो इसमें पेयर्ड फिन्स हैं। फिशेस की बॉडी में हमारे पास पेयर्ड फिन पाए जाते हैं और अनपेयर्ड दोनों फिन्स पाए जाते हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेटा में जस्ट अनपेयर्ड जो है हमारे पास फिन्स पाए जा रहे थे। जैसे हम बात करें पेयर्ड फिन की, हमारे पास पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है पेक्टोरल फिन्स हैं। ये बॉडी के अगर इस साइड पे यहाँ पे पाया जा रहा है तो बॉडी के दूसरी साइड पे भी एक्सेक्ट यहाँ पे भी ये जो है ना फिन पाया जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह ये पेल्विक फिन्स यहाँ पे इस साइड पे भी पाया गया है तो यहाँ पे भी पाया जाएगा दूसरी बॉडी के साइड पे, बॉडी के एक्सैक्ट सेम पोजीशन पे। तो ये दोनों फिन्स हमारे पास क्या है पेयर्ड फिन्स हैं, जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं। जबकि कुछ अनपेयर्ड फिन्स हैं
जैसे हम इस डार्सल फिन की बात करें, ये बॉडी की अपर साइड पे डार्सल साइड पे पाया जाता है और एक ही होता है इस पेयर फॉर्म में, नहीं होता। सिमिलरली ये एनल फिन जो कि यहाँ बिल्कुल एनिस से थोड़ा सा पहले जो है ना इस रीजन में पाया जाता है, जिस वजह से इसको एनल फिन भी कहा जाता है। ये भी हमारे पास अनपेयर फिन्स की एग्जाम्पल है। सिमिलरली कडल फिन की बात करें, ये हमारे पास फिश के यहाँ पे लास्ट में डुम वाली जगह पे, टेल वाली जगह पे पाए जा रहे हैं, इस वजह से इसको कडल फिन का भी नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स फिश के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी इसके एग्जाम्पल, जैसे कि माशेर है, चन्ना है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इसी तरह हमारे पास जो एपिसाटोडस वगैरह जो कि लंग फिशेस आती हैं, वो हमारे पास फिशेस की एग्जांपल्स हैं। क्लासिफिकेशंस की बात की जाए फिशेस की, तो फिशेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास है कॉन्ट्रियोथाइस की और दूसरी हमारे पास है ऑस्टियोथाइस की। हम इनका कंपेरेटिव स्टडी इनकी करेंगे। पहली बात कॉन्ट्रियोथाइस की बात की जाए तो कॉन्ट्रियोथाइस हमारे पास ऐसी फिशेस हैं जो कि इंटायरली मैरीन डिवेलर हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं, समुद्र के पानी में, फ्रेश वाटर में कोई भी आपको कॉन्ट्रियोथाइस फिश नज़र नहीं आएगी। जबकि ऑस्टियोथाइस फिशेस हमारे पास जो है ना, वो फ्रेश वाटर में भी एज वेल एज मैरीन दोनों तरह के वाटर में हम लोगों को मिलती हैं। सिमिलरली कॉन्ड्रीथाइस जो फिशेस हैं, वो जो इम्पॉर्टेंट उसका कोर चीज़ कि उनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, जबकि हमारे पास जो जो ऑस्टियोथाइस फिशेस हैं, इनका स्केलेटन बोन से बना होता है, बोनी स्केलेटन इसमें पाया जाता है ऑस्टियोथाइस फिशेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हमारे पास ये जो कॉन्ड्रीथाइस फिशेस हैं, इनमें ट्रू टीथ नहीं पाए जाते। बेसिकली इनके जो टीथ होते हैं उसमें जॉस पाए जाते हैं, जॉस के अंदर टीथ होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड फॉर्म है पेलिकॉइड स्केल्स की। ठीक है, इनमें पेलिकॉइड स्केल्स के स्किन पे भी पाए जाते हैं और यही टीथ भी इनकी पेलिकॉइड स्केल्स की मॉडिफाइड फॉर्म है। जबकि हमारे पास जो जो ऑस्टियोथाइस हैं, इसमें ट्रू टीथ जो है वो पाए जाते हैं। सिमिलर स्केल्स की बात की जाए तो इसमें जस्ट पेलिकॉइड स्केल्स हम लोगों को नजर आते हैं, वो जो कि बहुत ही छोटे स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ हम लोगों को नजर आती है। जबकि ऑस्टियोथाइस की बॉडी में हमारे पास साइकनाइड, थीनाइड, गिनाइड और पेलिकॉइड, हर तीनों तरह के, चारों तरह के स्केल्स होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। अनदर पार्ट स्ट्रक्चर इज दैट द के कॉन्ट्रियोथाइस फिशेस हमारे पास जो होती हैं, इसमें गिल क्रिप्स ओपन होती हैं, डायरेक्ट ओपन होती हैं इन्वायरमेंट में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें ये गिल क्रिप्स पाई जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, जबकि हमारे पास जो जो ऑस्टियोथाइस फिशेस होती हैं, इनमें जो गिल क्रिप्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में ओपन नहीं होती, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं अपर कॉलम, उसके ज़रिए क्या होती हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में खुलती हैं। ठीक है, इनमें अपर कॉलम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल्स के फिशेस हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्टियोथाइस फिशेस की। सिमिलरली ऑस्टियोथाइस फिशेस में एक ऑर्डर है डिफनाई, इससे में जितने भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं उसमें एक तो लंग्स पाए जाते हैं, वो लंग्स के जरिए रिस्पायर करते हैं, इसी वजह से इसको हम लंग्स फिशेस भी कहते हैं, और थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बाकी सारे फिशेस में हमारे पास टू चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, इसके हम अगर बात करें ये कॉन्ट्रैक्टाइल्स के फिशेस की, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। लैम्प्रे यहाँ पे हमारे पास इसकी जो स्पेसिमेंस हैं वो दिखाए गए हैं, कौन कौन से इसके जो हमारे पास फिशेस हैं वो इससे बिलोंग करती हैं। शार्क और इसी तरह की जो समुद्र में पाए जाने वाली खतरनाक फिशेस हैं वो सारी इससे बिलोंग करती हैं, जबकि ये कैट फिश हो गया, ये हमारे पास माशे, चन्ना, डेली यूज़ की जो फिशेस हमारे पास नज़र आती हैं स्मॉल साइज़ की, वो सारे के सारे ऑस्टियोथाइस में।